सादा जीवन, ऊंचा विचार, थोड़ा सो ये हमारा विषय है आज का। सो पूरा ये सत्र 7 दिन का रहेगा और 11 से 12:30 का समय है, और रोज़ हम आखिर के 10 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे। तो अगर बीच में आपको कोई प्रश्न है तो आप लिख लीजिए, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा। सो ये स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे बाद में, लेकिन फिर भी कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसमें से। सो आज का शीर्षक है कृषि की परिस्थिति की तंत्र के रूप में समझ। तो खेती और गौ सेवा को लेके या सादा जीवन को लेके हम सबके पास कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन हम ये 7 दिन में ये समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र इसके बारे में क्या बोलता है। क्योंकि अभी हम जो दृष्टिकोण लेके बैठे हैं, वो जो हमने देखा है उसको हम मान बैठे हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग राइट नाउ। तो हम खेती में देखते हैं कि हल को जोता जाता है, दवाई छिड़की जाती है, पानी डाला जाता है, ये सब हमने देखा है। तो हम समझते हैं कि इसी को खेती कहा जाता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार खेती क्या है वो हम समझेंगे। इसी प्रकार गौ सेवा को लेके भी कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं समाज की अभी, लेकिन शास्त्र के अनुसार गौ सेवा किसको बोलते हैं वो हम समझेंगे। सादा जीवन, तो हम सब सोचते हैं कि मैं तो बहुत सादा जीवन जी रहा हूँ, लेकिन सादा जीवन शास्त्र के अनुसार क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका मूलभूत सिद्धांत या पाया ये है कि ये सब हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, इट इज़ ऑल कॉन्शियसनेस। तो जैसे अभी हम श्री वृंदावन धाम में हैं, यहाँ से तो ये सादा जीवन उच्च विचार का प्रचार शुरू किया कृष्ण बलराम ने। लेकिन अभी वास्तविकता, आज सुबह ही मुझे एक जन ने मैसेज किया जब हमने अनाउंसमेंट किया एसी के लिए, तो बोला आप सादा जीवन उच्च विचार पे प्रोग्राम कर रहे हो और एयर कंडीशन लगाने की बातें कर रहे हो, यू नो। सो वो परिस्थितिवश सब कुछ चल रहा है अभी, लेकिन हम फिर भी समझेंगे कि आदर्श क्या है, और हम उसमें से करें, जितना करेंगे उतना लाभ हमको होगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज फ्रॉम हियर, ये थोड़ा छोटा है तो क्या करेंगे। सो इसमें एक संदर्भ को प्रस्तुत किया गया है। संदर्भ मतलब के दृष्टि, कॉन्टेक्स्ट, अंग्रेजी में इसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ध्येय बोल सकते हैं हिंदी में दूसरा नाम। तो हर एक व्यक्ति के जीवन का एक संदर्भ होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था शुरू किया तो इसके पीछे भी कुछ संदर्भ था। सो ये संदर्भ हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये थोड़ा जनरल है, मतलब सभी लोग इसको आसानी से समझ पाए, इस प्रकार से लिखा गया है इसको। और फिर इसके तुल्य जो हमारे शास्त्र में श्लोक है वो हम देखेंगे इसके बाद। तो इसमें बंद हो गया, लेकिन मैं बोलता हूँ आप सुनिए। पहला लिखा है हम सब का अर्थ है यहाँ पूरा विश्व, पूरे विश्व की सभी योनियाँ, सबके लिए बात हो रही है। हम स्थिर परिवार चाहते हैं जो शांतिपूर्ण जीवन, समृद्धि और शारीरिक सुरक्षा में हो। दूसरा, अपने स्वयं के आध्यात्मिक या धार्मिक श्रद्धा को आगे बढ़ाने के लिए हम स्वतंत्रता चाहते हैं। तीसरा, हम पर्याप्त पौष्टिक भोजन और साफ पानी चाहते हैं। हम परिवार, दोस्तों और समुदाय के लिए समय और सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के लिए अवकाश चाहते हैं। हम वास्तविक शिक्षा चाहते हैं जो संतुलित जीवन में वास्तविक धन और स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल डिसीजन मेकिंग। सो हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हम एक ऐसा निर्णय लेना सीख जाएं ताकि हम हमारे संदर्भ की ओर प्रगति करें। अभी हम रोज़ कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं,
लेकिन अगर वो निर्णय हमको हमारे संदर्भ की ओर नहीं ले जा रहा है तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ते जाएंगे। सो हमको हमेशा इससे वाकिफ रहना होगा कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो इस संदर्भ की ओर हमें लेके जाए। तो उसके लिए ये सब प्राप्त करना है तो हमारा व्यवहार में, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो लिखा है। हम विच विल बी ब्रॉट अबाउट बाय बिहेविंग, मतलब हमारा व्यवहार विथ इंटेग्रिटी एज अ बीइंग विथ ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब जितने भी योनियाँ इस पृथ्वी पे हैं उसके साथ मिलके हमको करना है और हमें सभी योनि को ये अवसर प्रदान करना है कि कृष्णा ने जो उनकी निर्धारित सेवा की है उसको करने में हम उसको मदद रूप बने। अभी हम केवल मनुष्य समाज को केंद्र में रख के निर्णय ले रहे हैं, अन्य योनि जो है उसको हम गणना में नहीं लेते हमारा जब निर्णय लेते हैं तब, इसीलिए मनुष्य समाज के संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, और इसमें जो लिखा है लाइफ स्पैन, मतलब पूरा जीवन उसको जीने का सुविधा देना होगा। हम तय नहीं कर सकते कि ये मच्छर को अब मार देना है या ये बंदर को अब मार देना है, वी कैन नॉट डिसाइड दैट, इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय नेचर, वो प्रकृति को निर्धारित करना है। हम केवल उसको सहयोग करेंगे ताकि वो कृष्ण की सेवा जो उसे प्राप्त हुई है वो कर सके। हाँ, बिकॉज हम सबसे बुद्धिशाली जीव हैं 84 लाख योनि में। उसके बाद लिखा है हमें खुला हृदय का होना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, नॉन जजमेंटल, हर एक को सम्मान देना पड़ेगा। ये तो हम पढ़ते हैं रोज सुबह, राइट, जैसे ना शिक्षाष्टकम में, और सभी योनि के साथ मिलके इस प्रकार से कार्य करना है ताकि प्रकृति को क्षति ना पहुँचे। अभी हम लोग प्रकृति का चिंता नहीं करते जब निर्णय लेते हैं तब। जैसे एक छोटा उदाहरण लें तो अभी पानी पीने का व्यवस्था हम लोग उसके लिए एक बोरवेल बनाते हैं, बोरवेल बोलते हैं इधर, अंडरग्राउंड पानी खींचते हैं, बोरिंग। सो वो प्राकृतिक नहीं है, वो हम क्या कर रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन्स है उनका पानी भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी इतना तेज़ी से पानी ख़त्म हो रहा है पृथ्वी में, और ऐसा भविष्यवाणी करते हैं विशेषज्ञ कि 2050 तक भारत के 9 राज्य में पानी नहीं होगा। इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि मतलब वो 9 राज्य के लोग छोड़ के बाकी के राज्य में स्थानांतरित होना पड़ेगा। सो ऐसा पूरे विश्व में हर साल 4 करोड़ लोग स्थानांतरित होते हैं क्योंकि भूमि में से पानी ख़त्म होते जा रहा है, हर साल 4 करोड़ लोग, ये चल रहा है ऐसा, मतलब वो भूमि कुछ काम की नहीं है। इस प्रकार से हम क्षति पहुंचाते जा रहे हैं क्योंकि हमारे निर्णय में पर्यावरण को हम गणना नहीं करते। पर्यावरण की जब चिंता होती है तो लोग बोलते हैं बहुत महंगा हो जाएगा ये, जैसे अभी कल समथिंग वॉज देयर। एनी वे, सो आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अभी प्लास्टिक का उपयोग और अन्य अन्य कई चीज़ें ऐसा हम यूज़ कर रहे हैं जो पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं लेकिन वो प्रकृति को क्षति पहुँचाता है। सो उसकी असर मनुष्य समाज पर हो रही है और किसी को उसका नुकसान नहीं हो रहा है, ओनली एंड ओनली ह्यूमन स्पीशीज आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। आने वाली, और हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए सभी जीवन के लिए नैतिक और मानवीय व्यवहार की नींव पर होना चाहिए। पृथ्वी की, भूमि की, नदियों, झील, महासागर, पृथ्वी और जितनी भी विविधता है इस समुदायों में वो सबको पुनर्जीवित करने के लिए सुनिश्चित किया जाए, इस प्रकार से हमारा निर्णय होना चाहिए। अभी हम लोग सोचते हैं मेरा जीवन निकल गया तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है हमको। हमको ऐसा देखना है कि जिस प्रकार से जो हमको प्राप्त हुआ है उसको और बढ़ा के हमको नेक्स्ट जनरेशन को देके जाना है। ये हमारा संदर्भ होना चाहिए जीवन का। ये हम सीखे नहीं हैं क्योंकि जो शिक्षा हमने प्राप्त की है वो केवल स्वार्थ का लाभ देखने के लिए शिक्षा मिली है, लेकिन ये पूरे जो सृष्टि का निर्माण हुआ है उसको एक जिम्मेदार के रूप में उसको देखना है, और उसके लिए हमारी जिम्मेदारी यही सोचते हुए निर्णय लेना सीखना है। और इसको अगर एक शब्द में बोलना हो इस संदर्भ को, तो इसको हम बोल सकते हैं कृष्ण भावनामृत। एक शब्द में इसको हम बोल सकते हैं कि आपका जीवन का संदर्भ होना चाहिए कि आप कृष्ण को केंद्र में रख रहे हो हर जगह। कृष्ण को केंद्र में रखे बिना आप निर्णय नहीं लोगे। तो इसका पूरे का समरी है कृष्ण भावनामृत, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, ये सब उसमें आ जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। बट इसको इतना लंबा इसलिए लिखा है ताकि हम इसको समझ सकें आसानी से, क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत सुनते हैं तो हम उसका छोटा परिभाषा निकाल लेते हैं,
लेकिन ये थोड़ा विस्तृत है, इसको और भी विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन ये मुख्य ऐसी बातें हैं जिसके लिए कोई मना नहीं करेगा। हम हर एक जन ऐसी व्यवस्था चाहते, अगर ऐसा व्यवस्था मिले कि हमको परिवार के साथ रहने मिले, परिवार के साथ समय निकालने मिले, हाँ भगवान परिवार के साथ बैठ के भगवान का भजन करने मिले, तो हम सब ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं फिर भी ऐसा तो हो नहीं रहा है, परिवार अलग हो गया है, पति अलग व्यवसाय करने जा रहा है, पत्नी अलग जा रही है, बच्चा कोई अलग स्कूल में जा रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है, सो इट्स ऑल नॉट व्हाट वी वांट। ये सब तो हम चाह, लेकिन ये होते बढ़ते जा रहा है समाज में, हाँ, लेकिन इसके लिए कोई चर्चा नहीं करते हैं हम। तो ये संदर्भ हम रोज पढ़ेंगे एक बार, तो ये आज हमने पढ़ लिया एक बार, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है संदर्भ पूरा, तो इस संदर्भ को मैं स्लाइड पे रखता हूँ। एंड आई वुड लाइक के सब लोग संक्षिप्त में अपना अपना परिचय दे दें, आप अपना नाम बोलिए और आप क्या करते हैं, जस्ट वन वर्ड, सो ताकि हम एक दूसरे को जान लें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वॉन्ट टू नो, पीछे से शुरू करते हैं। माइक दे रहे हैं, माइक, सो तब तक आप ये पढ़िए, इसलिए मैं ये बीच में रख रहा हूँ। सो जो हिंदी अंग्रेजी का कुछ अगर समझ नहीं पड़ रहा है तो यू कैन रीड दिस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम जुगल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम जुगल है, मैं मंदिर में सेवा करता हूँ। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम हरिओम नारंग है, मैं देहरादून में बैंक में सेवारत हूँ। ठाकुर प्रभु जी की कृपा के लिए आपकी सेवा में समर्पित। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम विष्णु है, मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। मनु व्यास। हरे कृष्णा, मेरा नाम भगवत प्रसाद है, मैं खेती करता हूँ, दर्शन के लिए चले आया। क्या करता हूँ? राम बेजवारी। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हो, वेरी गुड। हरे कृष्णा, तो ये फिलहाल 7 महीने से तो मैं यहीं रहता हूँ मंदिर में ही, और वैसे अपना स्टील और सीमेंट का बिजनेस है। सुनील कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। हरे कृष्ण, राम गोपाल दास, सेवा डीटी डिपार्टमेंट। हरे कृष्णा, मेरा नाम कृष्ण मूर्ति दास है, 3 साल से वृंदावन वास कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम ललित कृष्ण दास है, मैं टेंपल में सेवा करता हूँ, 4 साल से वृंदावन में। ठीक है, ठीक है, इधर पीछे पीछे दीजिए, नहीं नहीं पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं देहरादून से आई हूँ, मेरा नाम अलका नारंग है। हरे कृष्णा, व्रत सेविका दासी, गायों की सेवा करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम श्रेया है, मैं स्टूडेंट हूँ और मंदिर में सेवा करती हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम रश्मि है, मैं आर्किटेक्चर फील्ड में हूँ। हरे कृष्णा, माय नेम इज़ रिया मिश्रा, आई डू टीचिंग एंड गार्लैंड सेवा। ठीक है। हरे कृष्णा, मेरी नाम दैवी शक्ति है, मैं वृंदावन में रहती हूँ। थैंक यू। सो वी हैव सेफ क्राउड फॉर मी, बिकॉज नॉट मैनी आर फ्रॉम फार्मिंग एंड काउज, ज़्यादा लोग खेती और गौ सेवा में से नहीं हैं, सो अच्छा है, ये समझने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ये संदर्भ हमने सीख लिया। सो मुख्य उपेक्षा ये की जा रही है आप सबसे कि हम जो भी कार्य करेंगे वो हमें हमारे संदर्भ की ओर ले जाए। तो ये संदर्भ हम प्रयास करेंगे, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे हम सबका, अगर आप सबका नंबर उनको जुगल के पास अगर है तो ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप करके उसमें डाल देंगे। और ये सारा उसमें आपको भेज देंगे हम, है ना, जो भी हम देख रहे हैं इधर और चेंजिंग।
सो ये शास्त्र का श्लोक है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषः, गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सो ये जो हमने संदर्भ लिखा वो एक श्लोक में लिखा हुआ है कि सभी लोगों की भलाई हो, राजा सही मार्ग से पृथ्वी पर शासन करे, यहाँ पशु मतलब के गाय और बुद्धिमान लोग मतलब के ब्राह्मण, गो ब्राह्मण भी लिखा है, वो हमेशा खुश रहें, सारे संसार के सभी प्राणी मतलब सभी योनियों की बात हो रही है सुखी रहे, और हर जगह शांति शांति और शांति हो। सो ये संदर्भ का एक श्लोक है, वैदिक संकेत है, हम इससे समझ सकते हैं चीज। तो ये श्रीमद् भागवतम में से है, ये प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 4। इसमें ऐसा लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज जो आदर्श राजा, अभी हमने आगे पढ़ा तो युधिष्ठिर महाराज आदर्श राजा थे, और उनके राज्य के समय बादलों से पर्याप्त पानी गिरता था जितना आवश्यकता थी पृथ्वी पे, और जो धरती माता पर्याप्त भोजन देती थी प्रचुर मात्रा में, और गायों के स्तन दूध से भरे हुए थे, और वो बड़े ही उन्मोदित मतलब कि आनंद में थी गायें, हाँ, तो उनके स्तन दूध से भरे रहते थे, और जब वो चारागाह की भूमि में चलती थी तो उनके स्तनों से दूध टपकता था। तो ये श्लोक कुछ चीज़ इंगित कर रहा है कि अगर प्रकृति ठीक से चलायमान है, मतलब कि राजा आदर्श है, दूसरा ये है कि अगर गायें खुश होगी तो उनके स्तन में इतना दूध रहेगा कि वो धरती को भी भिगो देती है। दैट वॉज द सिचुएशन जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, तो अभी पूरी परिस्थिति विपरीत हो गई है। तो वो क्यों हो गई है वो हम समझेंगे, लेकिन ये इसका अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, और पहली पंक्ति में लिखा है कि अगर हमको आर्थिक समस्याओं का समाधान करना है तो हमें गाय और खेती से जुड़ना होगा। तो बहुत लंबा परपट है लेकिन बहुत सुंदर है। तो एक्सेस मिल्क यहाँ नीचे लिखा है हमने, मतलब कि अगर गाय के पास ये जो डेयरी जितना भी शुरू हुआ, डेयरी समझते हैं आप लोग, डेयरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, डेयरी सब समझते हैं लेकिन, राइट, जहाँ से दूध प्राप्त होता है, जो दूध का व्यापार करते हैं, तो वो लोग का एक हेतु था जब ये डेयरी शुरू क्यों हुआ, उनकी यह हेतु था कि अगर गाय से अधिक दूध प्राप्त होता है तो उसको बिक्री किया जाएगा, उसके लिए डेयरी का स्थापना किया गया था। लेकिन अभी वो हेतु बदलते बदलते एक्सेस दूध को भूल गए वो लोग, अभी वो सोचते जितना दूध मिलता है उतना लेके बेचना है, तो हेतु परिवर्तन हो गया, इसलिए गलत निर्णय लिए गए, इसलिए समाज अधम और अधोगति की ओर अग्रसर हो गया। नहीं तो उसका हेतु सही, अगर अभी आज कोई भी डेयरी का विश्व में हेतु पढ़ेंगे तो उसका हेतु यही है कि जो अधिक दूध मिलेगा उसका बिक्री किया जाएगा, तो एक्सेस मिल्क, हाँ, अधिक दूध का बिक्री है उसको बिक्री करना है, और जब वो होगा कोई राज्य में तो वो राज्य समृद्ध राज्य है। तो ये इस बात को इंगित करता है कि अगर गाय के स्तन में उसका बछड़े के पीने के बाद दूध मिल रहा है, मतलब पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम सब में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर बछड़ा दूध पीने के बाद बस दूध नहीं बच रहा है, मतलब सब कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो श्लोक है, जब गाय चल रही है चारागाह में तो उसके स्तन में से दूध गिर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा साथ में ही चलते थे फिर भी दूध बच रहा है, मतलब सभी योनियाँ सुखी है क्योंकि गाय सुखी है। तो ये संक्षिप्त में इसका अर्थ है, पूरे विस्तार में हम 7 दिन में समझेंगे इसको कि ये कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कैसे समझा जाए। तो इसमें लिखा है कि अगर गाय खुश होगी तो उसका बच्चा खुश होगा, बच्चा खुश होने से इंग्लिश ये सब हम छोड़ देते हैं, हाँ ये है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बड़ा हाथी है जो प्रतीक है भूखमरी का, बीमारी का, कुपोषण का, प्रदूषण का, हाँ, वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है उसका, हाँ, फिर बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, जितनी भी तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं उसको हमने ये एक चित्र के रूप में रख दिया है। तो मेरा प्रश्न है कि ये समाज
में कोई भी संस्था ऐसी है जो योजना बना रही है इस हाथी को आमंत्रण करने के लिए, इस हाथी को कोई इनविटेशन दे रहा है समाज में? ये सब समस्याएं हैं और हम में से कोई इसको नहीं चाहता है, प्रगतिशील देश हो या कोई पछात देश हो, लेकिन ये समस्याओं को कोई नहीं चाहता है। फिर भी ये हाथी जैसे जैसे समय जा रहा है ये तंदुरुस्त होते जा रहा है, दूसरे शब्दों में इसका कद बड़ा होता जा रहा है। हम नहीं चाहते फिर भी हर पॉलिसी जो बनती है वो इसलिए बनती है कि समाज में भूखमरा कम हो जाए, बाढ़ ना आए, सूखा ना पड़े, बीमारियां कम हो जाए, लेकिन आप देखते हो आप जन्मे हो तब से आज तक इन सब चीज़ों में वृद्धि हो रही है, सही बात है? दूसरे शब्दों में हमारा जो व्यवस्था है वो दुर्बल है या पर्याप्त नहीं है ये समस्याओं को रोकने के लिए जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उससे। दिस एलिफेंट इज ओनली ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, तो इसलिए इसकी चर्चा कोई करना नहीं चाहता है। सो हम समझते हैं कि ये समस्याओं का वास्तविक कारण क्या है। अभी तक हमको जो दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है पूरा विपरीत है। सो यहाँ लिखा है, हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे हमारे द्वारा परितंत्रित, मतलब कि मैनेज किए जा रहे पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि इकोसिस्टम के प्रबंधन के लिए लिए गए निर्णयों से उत्पन्न अनपेक्षित परिणाम है। दूसरे शब्दों में जो भी ये समस्याएं हमने लिखी आगे, ये हमारे गलत निर्णय का अनपेक्षित परिणाम है। ये समस्या नहीं है, समस्या था हमारा गलत निर्णय, ये समझना होगा हमको। अभी तक हमको ये दृष्टिकोण दिया गया है कि ये जो हाथी दिख रहा है ये समस्या है, बट ये समस्या नहीं है, ये केवल समस्याओं का एक सूचक है। जैसे साधारण उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति इधर खड़ा रह के मेरे सिर में हथौड़ा लगा रहा है ज़ोर ज़ोर से और मेरा सिर दुखने लगता है, फिर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे दवाई देता है और मेरा सिर दुखना बंद हो जाता है, फिर वापस वो व्यक्ति मेरे सिर में हथौड़ा देने लगता है, तो क्या करना चाहिए मुझे? दोबारा दवाई लेना चाहिए? लेकिन हमको यही सिखाया गया कि दोबारा दवाई लेना चाहिए, दिस इज़ हाउ वी आर एजुकेटेड, यही प्रशिक्षण हमको दिया गया है। लेकिन सही समाधान क्या, ये जो लग रहा है हथौड़ा उसको बंद करना होगा, ये निर्णय गलत है, जो मैं इसको रोक नहीं रहा हूँ हथौड़े मारने से वो मेरा निर्णय गलत है, डॉक्टर के पास जाने का निर्णय तो और ज़्यादा गलत है। लेकिन हम इसको कभी समझ नहीं पाए अभी तक। जब कुछ भी समस्या आती है तो हमको सोचना चाहिए कि मैंने क्या गलत निर्णय लिया था जिसके कारण ये समस्या आई है। तो गलत था हमारा निर्णय, अभी जो हम देख रहे हैं वो तो उसका एक अनपेक्षित परिणाम है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम इज द डिसीजन टेकन। तो बीमारी या समस्या का कारण वास्तव में हमारे द्वारा लिया गया निर्णय है। तो किसी समस्या का अगर वास्तविक इलाज तभी होगा जब उसका कारण पता हो। अगर उसको हम, जैसे व्यक्ति है ये ब्रांच को काटने का ट्राई कर रहा है और कुछ समय में पता चलेगा ये भी ब्रांच के साथ नीचे आ जाएगा, तो हम पेड़ को जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, वो तो उसका निर्णय था, वो उसी डाल को काट रहा है जिस पर वो बैठा है। तो अभी यही हो रहा है, हम जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें हम उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर हमारा जीवन चल रहा है, वी आर नॉट प्रेजेंस टू इट, हमारा बुद्धि उसमें चल नहीं रहा है लेकिन हम यही कर रहे हैं रोज। ये है दृष्टिकोण। सो हमारा हर एक निर्णय एक दृष्टिकोण पर आधारित रहता है, और वो दृष्टिकोण हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम प्रतिदिन बहुत सारे निर्णय लेते हैं और इसे हमारे संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए। तो ये हमने सुना आगे कि जो भी हम निर्णय लेंगे वो हमें हमारे संदर्भ की ओर लेके जाए, संदर्भ मतलब जो हमने सबसे पहले पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट, हमारा ध्येय। हमारे निर्णय दृष्टिकोण या प्रतिमानों से प्रभावित होते हैं। तो जैसे दृष्टिकोण हमने प्राप्त किया है ऐसे निर्णय हम लेते हैं, यदि निर्णय हमारे संदर्भ के अनुरूप नहीं है तो अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न होंगे।
तो अब हमारा निर्णय, अब हमारा संदर्भ था कि इस कक्षा में पहुंचना है, लेकिन आप ऑटो रिक्शा में बैठ के राधा रमन मंदिर जा रहे हो तो आप तो यहाँ नहीं पहुंचने वाले हो किसी भी परिस्थिति में। तो जो आपका संदर्भ है वहाँ पहुंचने के लिए जो निर्णय लेना है वो लेना पड़ेगा। इस इन अनपेक्षित परिणामों को हल करने के लिए हमें पिछले फैसले को प्रभावित या पिछले निर्णय को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण को हटाना होगा। तो अगर जैसे कि मुझे रोज़ सुबह मंगला आरती में उठना है, ठीक है, लेकिन मैं रोज़ 12 बजे सो रहा हूँ और फिर सुबह मैं सोचता हूँ अरे मैं आज भी नहीं उठ पाया, तो नहीं उठना एक अनपेक्षित परिणाम है आपके गलत निर्णय का कि 12 बजे सोएंगे आप। अब सुधार कहाँ करना है, 9 बजे सो जाना है। अगर आप 9 बजे सोएंगे तो जो अनपेक्षित परिणाम है वो चले जाएगा। तो मंगला आरती में नहीं आना वो इंगित करता है कि आप कुछ गलत निर्णय लेते हो। तो मंगला आरती में नहीं आना एक अनपेक्षित परिणाम है गलत निर्णय का, जो निर्णय लेट सोना। समझ में आ रहा है ये बात? सो आवर डिसीशन इज द रियल प्रॉब्लम, हमारा निर्णय सही समस्या है। अगर आप निर्णय लेना सीख जाएंगे अपने जीवन में, तो अर्जुन भी यही कर रहा था, अर्जुन भी गलत निर्णय ले रहा था कि युद्ध नहीं करूँगा। फिर कृष्ण ने पूरा गीता सुनाया तो उसने बोला ठीक है युद्ध करूँगा। दैट वॉज द ओनली चेंज इन हिम, राइट, उसका निर्णय बदल गया युद्ध नहीं करने से युद्ध लेने पर, और वो कृष्ण भावनामृत बन गया क्योंकि उसने कृष्ण की बात सुनी। सो दृष्टिकोण कैसे बनते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण से हम प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं, तो अभी दृष्टिकोण कैसे बनते हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो अभी हमारे समाज का एक दृष्टिकोण है कि 11-12 बजे सोना चाहिए, उससे जल्दी सो गया मतलब मैं बीमार हूँ, राइट, दिस इज़ अ दृष्टिकोण वी हैव, हम ये दृष्टिकोण हमको मिला इस समाज से, हमारी गलती नहीं है इसमें, ये समाज ने हमको ये दृष्टिकोण दिया है। तो हमने वो दृष्टिकोण के अनुसार जीवन जीना शुरू किया और उसका अनपेक्षित परिणाम है कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण को बदलना होगा। सो दृष्टिकोण क्या है, जिस तरह से आप कुछ देखते हैं, संदर्भ का ढांचा या विश्वास, आपके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दृष्टिकोण इज। अब दृष्टिकोण कैसे बनते हैं समाज में वो हम देखते हैं। ओके, तो वैज्ञानिकों ने, एक समूह ने एक पिंजरे में 5 बंदरों को रखा और बीच में एक सीढ़ी पर केले रखे। हाँ हाँ, तो 5 बंदरों को वैज्ञानिकों ने कमरे में रख दिया और सीढ़ी पे केले रख दिए। जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ता, वैज्ञानिकों ने बाकी के बंदरों को ठंडे पानी से भिगो दिया। ठीक है, तो नीचे जो बंदर है उसको ठंडा पानी मिलता है अगर कोई बंदर केला खाएगा तो। कुछ समय बाद किसी भी बंदर ने प्रलोभन की परवाह किए बिना सीढ़ी पर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मार पड़ती थी, पिटाई करते थे उसकी, अगर सीढ़ी पे जाएगा तो पिटाई करेंगे लोग। तो अभी केला पड़ा है लेकिन बंदर खाने नहीं जा रहा है। वैज्ञानिकों ने तब बंदरों में से एक को बदलने का फैसला किया। इसे नए बंदर ने सबसे पहला काम किया सीढ़ी के ऊपर जाना, तुरंत अन्य बंदरों ने उसकी पिटाई की। तो ये नया था, ये तो इसको पता नहीं था ये समाज का नियम क्या है, तो ये तो केला देखा तो ऊपर जाने लगा। तो कई पिटाई के बाद नए सदस्य ने सीखा कि सीढ़ी पर चढ़ना नहीं है, हालांकि उसे पता नहीं था क्यों। दूसरे बंदर को बदला गया और वही हुआ, पहले बंदर ने दूसरे बंदर की पिटाई में भाग लिया। पहला बंदर कौन, जिसको पता नहीं है उसकी पिटाई क्यों हुई है, वो भी अभी पीटने में लग गया है। तीसरे बंदर को बदला और उसी का दोहराया गया पिटाई, चौथे को बदला गया और पिटाई को दोहराया गया, और अंत में 5वें बंदर को बदल दिया गया। तो अभी कमरे में 5 बंदर नए हैं। अब जो बचा था वो 5 बंदरों का एक समूह था जिसने कभी भी ठंडा स्नान नहीं किया, फिर भी उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करने वाले किसी भी बंदर को मारना जारी रखा। अगर बंदरों से यह पूछना संभव होता कि वे इन सभी को क्यों पीटते थे जो सीढ़ी पर चढ़ ऊपर जाने का प्रयास करता था, यकीनन जवाब होगा मुझे पता नहीं है, यहाँ ऐसा ही काम होता है। सो ऐसे दृष्टिकोण बन रहे हैं समाज में। जैसे अभी हम उदाहरण लें तो अभी कोई नया बच्चा जन्म हुआ होगा पिछले 2 साल में, तो उसको ये समझ पड़ा होगा कि भाई मास्क तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि वो जन्मा है तब से देख रहा है कि सब लोग मास्क लगा रहे हैं।
तो उसको दृष्टिकोण मिल रहा है। तो दिस इज हाउ दृष्टिकोण ऐसे प्रचारित किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और फिर ये हमारा सभी निर्णय इस दृष्टिकोण पे टिके रहते हैं हमेशा। तो अपनी शिक्षा को कभी भी नई चीज़ सीखने में बाधा रूप न बनने दें। तो अपनी शिक्षा मतलब दृष्टिकोण। तो कई बार हमारा एक दृष्टिकोण होता है उसको हम इतना सख्ती से पकड़ के रखते हैं कि कुछ सही चीज़ भी सामने आती है तो भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसा कि हम प्रचार करते हैं तो हम सुनते ना लोग, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, गीता देंगे तो बोला टाइम नहीं है। उसका दृष्टिकोण है कि अगर ये गीता पढ़ लूँगा, माला करूँगा तो मेरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा, समय का व्यय है ये, यही तो सिखाया गया है। तो ये दृष्टिकोण है एक, तो उसको बदलना बहुत कठिन है, दृष्टिकोण बदलना इतना ईजी नहीं है। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, ये दोनों का अर्थ हिंदी में जटिल होता है, लेकिन हम उदाहरण से समझेंगे इसको। तो जो भी तकनीकी आविष्कार मतलब टेक्नोलॉजिकल जो संशोधन करते हैं हम, वो सब मानव निर्मित है। तो जैसे एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, उसमें 3,000-4,000 स्पेयर पार्ट लगते हैं, और उसको गाड़ी सब अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो चलती है, अगर एक भी पार्ट बिगड़ जाएगा तो गाड़ी चलने बंद कर देती है। तो उसको हम यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड, कि कुछ भी क्षति आती है तो कार्य करना बंद कर, जैसे अभी ये यहाँ कुछ हो रहा था शुरू में तो प्रोजेक्टर चल नहीं रहा था, समथिंग वॉज देयर, तो केबल बदला, फिर लैपटॉप बदला, सो मैनी थिंग्स वर चेंज्ड, बट फाइनली इट मैनिफेस्टेड। बट प्रकृति ऐसी नहीं है, प्रकृति में कितना भी क्षति आए वो चलती रहती है, कितना भी क्षति हम कर देंगे प्रकृति के साथ वो चलायमान रहती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ रिलेंटलेसली एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, वो बंद नहीं होगी। तो प्रकृति मानव निर्मित नहीं है, हम सिर्फ इसे प्रबंधित या लयबद्ध करते हैं, वी जस्ट मैनेज द प्रकृति। गलत प्रबंधन से भी ये कार्य करना बंद नहीं करती, ये स्वयं संगठित होकर कार्य करती है, शायद एक अनपेक्षित परिणाम के साथ। तो दिस इज द थिंग। तो अगर प्रकृति के में अगर हम कुछ क्षति पहुँचाएंगे तो कार्य करेगी, लेकिन एक अनपेक्षित परिणाम आ जाएगा। जैसे कि हरित क्रांति आई जब 1961 में भारत में, सब केमिकल इंपोर्ट किए गए, DAP यूरिया, ताकि उत्पादन बढ़े, तब भूख मरा था, तो अच्छा पॉलिसी बनाया सरकार ने, भाई लोग भूखे हैं तो उनको भोजन देना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ मंगा लिया इधर, DAP सब अलग अलग तरह के केमिकल्स मंगवाए, उससे उत्पादन बढ़ भी गया। बट आज 70 साल के साथ पता चल रहा है कि उसके अनपेक्षित परिणाम आ रहे हैं, जमीन का पानी कम हो गया, बैल बेकार हो गए, पानी खाने के पोषक तत्व खत्म हो गए, बीमारियां बढ़ गई। तो ये सब क्या है, समस्या है कि क्या है, ये सब क्या है, ये जो बीमारी हम देख रहे हैं, भोजन का पोषक तत्व कम हो गया, पानी का स्तर नीचे चला गया, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, अनपेक्षित परिणाम, ये अनपेक्षित परिणाम है, एक गलत निर्णय जो हमने लिया। कौन सा गलत निर्णय लिया, केमिकल यूज़ करने का, लेकिन पॉलिसी क्या बनी थी, उत्पादन बढ़ाने का, तो पॉलिसी तो अच्छी थी, पॉलिसी गलत नहीं थी। सो कोई भी पॉलिसी विश्व की गलत नहीं बनती, अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे आपको लगेगा ये संस्था में जुड़ जाना चाहिए मुझे तुरंत, इतना सुंदर होता है सबका पॉलिसी, लेकिन वो निर्णय इतने गलत लेते हैं कि उस पॉलिसी तक पहुँचते ही नहीं है, तो सब निर्णय गलत होते हैं, फिर अनपेक्षित परिणाम आते हैं, और अनपेक्षित परिणाम को समझ नहीं पाते हैं तो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो प्रकृति को भागों में प्रबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संपूर्ण रूप में करना चाहिए। तो ये ईशोपनिषद में श्लोक भी है कि प्रकृति को हम छोटे छोटे भाग में मैनेज नहीं कर सकते, वो पूरा एक है, कंप्लीट होल, पूर्णम इदम। इसीलिए प्रकृति में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ स्पर्धा नहीं है, यहाँ सहयोग चलना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी कोऑपरेशन। इफ़ यू कॉम्पीट इट इज़ योर लॉस, अगर आप स्पर्धा कर रहे हो तो आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो ये पुअर मैनेजमेंट जो हमने किया, केमिकल छांटना शुरू किया, और अभी परिणाम आ गया कि हम लोग मास्क पहन रहे हैं, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन टेकन इन द पास्ट। इसमें लिखा है मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसका कोई शत्रु नहीं है। मनुष्य योनि का
अन्य योनि शत्रु नहीं है. ऑल अदर स्पीशीज आर अवर रिसोर्स. जितने भी योनियाँ भगवान ने बनाई है वो सब हमारे लिए एक संसाधन है. हम उसको शत्रु के रूप में देखते हैं क्योंकि ये दृष्टिकोण हमको दिया गया है. लायन खा जाएगा, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर से बीमारी आ जाएगी, दिस आर ऑल दृष्टिकोण गिवन टू अस. भगवान कृष्ण ने कुछ भी योनि निर्मित इसलिए नहीं किया कि वो हमको तकलीफ दे. कृष्ण इतने क्रूर नहीं हो सकते. लेकिन हमको ये दृष्टिकोण इतना गहरा है हमारे मस्तिष्क के अंदर कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस. हाँ, सो ये चित्र से आप समझ पाएंगे. जो लेफ्ट साइड है एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब कि मनुष्य सोचता है कि मैं केंद्र में हूँ, कृष्णा नहीं, हम, मैं केंद्र में हूँ और सभी निर्णय से मुझे लाभ प्राप्त होना चाहिए. जो बाकी योनियाँ हैं वो साइड में है. तो हम जो भी सभी निर्णय हम जो लेते हैं वो केवल हमारी भलाई के लिए होते हैं, बाकी योनि के लिए हम सोचते नहीं हैं. वास्तविक में होना क्या चाहिए? वी शुड बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग बहुत बार लिखा है, बी लाइक अ ह्यूमन. वी हैव टू बिकम लाइक अ ह्यूमन. तो बीइंग लाइक अ ह्यूमन मीन्स वी आर वन ऑफ द स्पीशीज. हम ये 84 लाख योनि में से एक योनि हैं. वी आर नॉट द ओनली स्पीशीज फॉर विच दिस प्लैनेट इज क्रिएटेड. लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये है कि ये सब कुछ केवल हमारे लिए निर्मित हुआ है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए. हमारे निर्णय से किसी को क्षति पहुँचती है उसकी हम कतई चिंता नहीं करते हैं. ये हमको शिक्षा प्राप्त हुई है, हम गलत नहीं हैं. हमारा भी ये दृष्टिकोण एक अनपेक्षित परिणाम है हमारी गलत शिक्षा होगा. इसमें हम हमको दोषी नहीं ठहरा सकते. वी कांट ब्लेम अस बिकॉज हम जन्मे तब से ही हमको ये चीज़ सिखाई गई है. सो हम इसको अब हमारा एक बोलते हैं ना, एक व्यवहार बन गया है, स्वभाव बन गया है ये करना कि हम केवल मनुष्य केंद्रित निर्णय लेते हैं, अन्य योनि के बारे में नहीं सोचते हैं. सो जब तक हमारे सभी निर्णय सभी प्रजातियों की भलाई के लिए नहीं होंगे तब तक हमें स्वस्थ जीवन प्राप्त नहीं हो सकता. यह एक स्वप्न है. अगर हम स्वास्थ्य को ढूंढ रहे हैं और अन्य योनि की चिंता नहीं कर रहे हैं तो स्वास्थ्य केवल एक सपना है हमारे लिए, असंभव है. ये वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही है. जितना हम प्रकृति का विरोध करेंगे, प्रकृति बहुत ताकत वाली है, वो हमारा जोर से विरोध करेगी. आँख पलक झपने में हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, कितना भी हम प्रयास कर ले. वी कैन नॉट स्टॉप एनी थिंग विच द नेचर वॉन्ट्स. सो ये शास्त्र का दृष्टिकोण है, इसको स्वीकार करना होगा हमको. हम सोचते नहीं मैं सब व्यवस्था कर सकता हूँ. ये है मनुष्य समाज के द्वारा गिरा हुआ दृष्टिकोण. तो ये दृष्टिकोण अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे निर्णय बदलने वाले नहीं हैं, और निर्णय नहीं बदलेंगे तो अनपेक्षित परिणाम जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे. तो अगर आप सही में अनपेक्षित परिणाम नहीं चाहते हो और अपने जीवन में अच्छा बदलाव चाहते हो या कृष्ण को केंद्र में लाना चाहते हो तो आपको आपके दृष्टिकोण बदलने होंगे, और वो दृष्टिकोण है शास्त्र के दृष्टिकोणों के आधार पर निर्णय लेना होगा. दैट इज़ द प्रभुपाद सेड, गुरु, शास्त्र एंड साधु. तो कुछ भी निर्णय हम लेते हैं वे तीनों से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पास हो जाए, तीनों ओके 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 हो जाए सब जगह, देन यू कैन टेक द डिसीजन, अदरवाइज इट इज रॉन्ग डिसीजन. सो ओनली अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग शैल हैव द स्किल टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी इन अवर इकोसिस्टम. तो जिसकी चेतना उठ गई है, थोड़ी ऊपर आ गई है, वही ऐसा निर्णय ले सकता है जो पूरी प्रकृति को निर्णय में सम्मिलित करेगा. अभी हमारी चेतना बहुत नीचे के स्तर पे है, हम केवल खुद का ही सोच पाते हैं, उसके आगे हमको सोचने का अनुभव नहीं है ना शिक्षा है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी कैन डू दैट, समहाउ वी आर ट्रेन लाइक दैट. तो वो बदलना होगा उसको धीरे धीरे. तो या सॉरी या ये गीता का श्लोक है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं. दिस इज फ्रॉम ऋग्वेद, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम. सो व्हाट डज इट मीन वसुदेव कुटुंबकम? अभी तो हम अपने छोटे परिवार को भी परिवार बनाना मुश्किल हो रहा है, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द होल ऑल द स्पीशीज. दिस इज यजुर्वेद,
क्या लिखा है, ओम सह नाव, यू नो दिस राइट, हम सब साथ में रहें, सब साथ में खाएं, जिए, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, देर इज अ बोर्ड हियर, मंकी कम्स 500 रुपीज़, फाइन फाइन. सो मुश्किल है, हम कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रकृति की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, उसका हमको व्यवस्था रखना नहीं आता है, इसलिए फिर हम ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें एक एक चीज़ को काटते जाते हैं और उससे समस्या और बढ़ती है. द प्रॉब्लम विल ओनली इंक्रीज, इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज. तो ये शास्त्र का दृष्टिकोण है. ये श्लोक आप सब जानते हैं, ईशोपनिषद में से है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. सो भगवान पूर्ण है और चूँकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, अतः उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है. सो वॉट एवर इज मैनिफेस्टेड हियर, वो सभी कुछ कंप्लीट है, सभी कुछ पूर्ण है. पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है. सी दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. बट अभी हमको क्या सिखाया गया है, कुछ भी हम चीज़ में से कुछ लेते हैं तो कम हो जाएगा, राइट? दिस इज़ वॉट वी हैव अंडरस्टूड. अगर हम खेती में से कुछ लेंगे तो खेती की शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए उसमें और केमिकल डालना पड़ेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, ये हमको सिखाया गया है. लेकिन ये श्लोक क्या बता रहा है कि जितना उत्पन्न होता है वो पूर्ण है, वो भी बढ़ते जाएगा. चूँकि वे संपूर्ण हैं, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण एकाकियाँ उद्भूत होती है तो भी वे पूर्ण रहते हैं. सो नथिंग डिमिनिशिज इन कृष्णास मैनिफेस्टेशन. कृष्ण की व्यवस्था में प्रचुरता है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है. तो इसके थोड़े फीचर्स हम समझते हैं, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में लिखा है अभी. इसकी क्या खासियत है, ये जो ईशोपनिषद दृष्टिकोण है, ये सिंट्रोपिक है, संसाधन कम नहीं होते. सिंट्रोपिक मतलब ये बढ़ते रहता है. तो जितना हम प्राप्त करेंगे, हमारा प्राप्त करने का विधि ऐसा होना चाहिए कि वो संसाधन और बढ़े, ये संभव है. लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कैसे होगा, बट ये संभव है. बढ़ती जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र में संसाधनों को खत्म नहीं करती. तो ये अगर आप प्रभुपाद जी के प्रथम स्कंध पे कुछ लेक्चर सुनेंगे तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पृथ्वी 10 गुना जनसंख्या को भी भोजन खिला सकती है, ऐसा कई बार प्रभुपाद जी बोले हैं. लेकिन अभी हमको क्या सिखाया जा रहा है कि बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है, लेकिन कोई भी संसाधन समस्या नहीं है. तो ह्यूमन भी एक संसाधन है, हर एक योनि एक संसाधन है इस प्रकृति में. एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स, नथिंग इज़ अ प्रॉब्लम. लेकिन हमको सिखाया गया है ऐसा, एक दृष्टिकोण दिया गया है कि ये प्रॉब्लम है. संसाधन हम जहाँ हैं वहाँ उपलब्ध है, इट इज़ अवेलेबल एट द साइट, किसी भी आविष्कार की आवश्यकता नहीं है. सो हमको कुछ आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड एनी आविष्कार. Everything is given with the creation. जब ये निर्माण किया प्रकृति का, तब भगवान ने सब कुछ दिया था ये प्रकृति को चलायमान रखने के लिए. खेत और किसान के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम भी खेत में रहने वाली एक प्रजाति हैं. सो वी एंड द फार्म आर वन, क्योंकि हम भी एक योनि है जो खेत में रहती है. इसके बाद लिखा है, जो तकनीकी आविष्कार या प्रगति है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जैव विविधता अधिक महत्वपूर्ण है हमारे भविष्य के लिए. तो जैव विविधता का अर्थ है, इसमें बायोडाइवर्सिटी लिखा है, अलग अलग प्रजातियों की बहुत महत्व है हमारे जीवन के लिए. तो खेत में जितनी योनियाँ बढ़ेगी उतना हमारा खेत समृद्ध होगा और हमारा जीवन में स्वास्थ्य की वृद्धि होगी. लेकिन अभी हमारा दृष्टिकोण क्या है, खेत में अगर कोई भी कीड़ा आता है तो उसको मार देना है. पहले दवाई से मारते थे, अभी ऑर्गेनिक से मारते थे, मतलब गोबर और गौमूत्र से. लेकिन मारना दवाई से, अभी किसी को मतलब बाहर सड़क पे मारो या भगवान के सामने मारो तो कुछ सजा तो एक ही मिलने वाली, राइट? मारना तो अलाउड नहीं है. सो इसी प्रकार आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो या इनऑर्गेनिक फार्मिंग करो, दोनों समान है. अगर आप जीव हत्या कर रहे हो तो उससे आपको स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा, यू विल नॉट गेट गुड हेल्थ. गुड हेल्थ चाहिए तो जैव विविधता चाहिए, अलग अलग प्रकार की योनियाँ आपके खेत में चाहिए. नेचर इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिलेंटलेस, ये आगे पढ़ा हमने. प्रकृति में कोई भाग नहीं, ये भी पढ़ा हमने. तो संपूर्ण को एक भाग के रूप में हमको मैनेज करना है. एवरीथिंग इज़ वन होल, वी कैंट मैनेज. जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे कि उंगली, आँख, हाथ, सबने सोचा कि ये पेट को ही खिलाने का है रोज, हमको कुछ मिलता नहीं है. सो अभी हम नहीं खिलाएंगे इसको, सब हड़ताल कर देते हैं. तो जैसे ही हड़ताल करते हैं सब दुर्बल हो जाएंगे. तो यही अभी हो रहा है, हम अलग अलग पार्ट्स में मैनेज कर रहे हैं प्रकृति को, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में मैनेज करना संभव नहीं है. इट हैज़ टू बी मैनेज एज अ होल.
ये पढ़ सकते हैं आप लोग। We cannot solve our problem. Sorry, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते जब हमने उसे बनाया था। सो जो निर्णय लेने से समस्या खड़ी हुई है वही निर्णय लेते रहेंगे तो परिणाम तो बदलेगा नहीं। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू चेंज द पैराडाइम, दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है आज। ये प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाया जाए, तो वो हर एक निर्णय कृष्णा को केंद्र में रख के ले। दैट वॉज द डिज़ायर ऑफ आचार्य। या तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। अभी कॉन्टेक्चुअल डिसीजन मेकिंग यहाँ लिखा है, तो जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें चार पहलू हमको सोचने चाहिए। आर्थिक, जो हमको सबको आता है, हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम केवल एक ही चीज़ सोचते हैं क्या आर्थिक लाभ होगा, या इस्कॉन से या कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा वो आध्यात्मिक सोच लेगा स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होगा निर्णय लेने का। लेकिन इसके अलावा भी दो पहलू हैं, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरण। ये चारों को सोचते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए, उसको कंप्लीट डिसीजन बोला जाएगा। वो निर्णय आपको अपने संदर्भ की ओर लेके जाएगा। ओनली दैट डिसीजन कैन टेक यू टू योर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें चारों चीज़ को सोच के आप निर्णय ले रहे हो। अगर एक भी चीज़ को आप छोड़ दोगे तो उधर पहुंचना मुश्किल होगा, या आगे वाली जो जनरेशन आएगी उनको तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं तकलीफ खड़ी होने वाली है। तो अनपेक्षित परिणामों को कम करने के लिए जीवन की गुणवत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए इसमें आप रहना चाहते हैं। सो ये अनपेक्षित परिणामों को कम करना है अगर, सो ये निर्णय जो हम लेते हैं उसका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण, ये चारों को हम गिनते हुए निर्णय लेते हैं। ओके, सो यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। सो अगर किसी को पानी पीना है तो हम पाँच एक दो मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या कंटिन्यू करें। वी हैव वाटर, एवरीबडी इज हैविंग वाटर। ओके, आई कैन टेक मोर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अब जो हम ले रहे हैं, इसके ऊपर पूरा आगे का प्रेजेंटेशन है हमारा। कार्य का अंग्रेजी में होता है फंक्शन और उपयोगिता मतलब यूटिलिटी। कार्य लिखा है इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या गतिविधि का उद्देश्य जो स्वाभाविक है। उपयोगिता, उपयोगी, लाभदायक या हितकारी होने की अवस्था या भाव। तो जैसे नारियल का चित्र आप देख रहे हैं, तो नारियल के ऊपर जो भूसा होता है हस्क, उसका एक फंक्शन है। ऐसे ही भगवान ने ऐसा नहीं बनाया नारियल को। तो अगर आप देखेंगे तो नारियल स्वाभाविक रूप से दरियाई बेल्ट में उगना चाहिए जहाँ दरिये होते हैं, क्योंकि ये पेड़ को 10,000 लीटर पानी चाहिए बड़ा होने के लिए, तो दरिये के पास तो बहुत पानी है, इसलिए इसको हस्क दिया है। तो ये जब पकता है तो अपने आप पानी में गिरता है, और जब तैरते तैरते किनारे पे पहुंचता है तो उसमें से नया पेड़ उग जाता है। शायद हम लोग ये बात को नहीं जानते हैं, आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी पेड़ उगना शुरू हो गया है उसमें, दूसरे चित्र में, क्योंकि इसको पानी मिलता है, ऑटोमेटिकली इट विल ग्रो। लेकिन हमने क्या किया, ये नारियल को ले आए हम लोग ऐसी जगह जहाँ दरिया नहीं है, फिर वहाँ झाड़ लगा दिया, तो उसको बहुत सारा पानी देना पड़ता है। तो 10,000 पानी लीटर पानी देके छोटी नारियल प्राप्त होती है जिसमें 100-200 ml पानी मिलता है, और हम बोलते हैं उससे हेल्थ मिलेगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ वी आर चेंजिंग द नेचर, अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को बदल रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमको स्वास्थ्य मिलेगा, तो इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं है। वॉट एवर इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड इज बेस्ट। एनी वे वी आर नॉट टचिंग दैट पॉइंट, बट द पॉइंट इज हर एक चीज के पीछे एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑफ द हस्क इज दैट कि ये नारियल डूब ना जाए अंदर, इसलिए इसको किनारे तक लाने के लिए भगवान ने उसके ऊपर ही हस्क दिया है। बाकी तो मेहनत करना पड़ता है उसको निकालने का। कोई सोच सकता है क्यों ऐसा दिया, अभी कुछ हाइब्रिड आ जाएगा थोड़े टाइम में, इसमें हस्क होगा नहीं, क्योंकि हम तो अभी शहर में उगा रहे हैं, हम तो दरिया के पास नहीं उगा रहे हैं अभी।
सो गाय का क्या धर्म है वो हम पढ़ेंगे अभी। गाय का प्राथमिक कार्य है चरना, ग्रेजिंग। उसका उसको मुख्य उसकी रचना भगवान ने केवल चरने के लिए की है, और उसके स्तन का प्राथमिक कार्य अपने बछड़े को दूध पिलाना। दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द अडर, कि गाय अपने बच्चे को दूध पिलाए, वो उसके स्तन का मुख्य कार्य। हर एक योनि के लिए यही लागू होता है, उपयोगिता। तो गाय की प्राथमिक उपयोगिता दूध, और बैल का है सिंचाई, या वो जो हल जोतते हैं ना, या वजन उठाने के लिए। ये हमारा दृष्टिकोण है, गाय मतलब दूध, बैल मतलब खेती करने के लिए या कुछ वजन इधर उधर भेजाना है, हम इतना ही जानते हैं। लेकिन उनका कार्य क्या है? चरना। गाय हो बैल हो, उनको उत्पादन, उनका उत्पन्न भगवान ने केवल और केवल चरने के लिए किया है। अगर उनको हम चरने का कार्य उनका नहीं करने देंगे, देन दे विल बिकम बोझा फॉर द समाज। ये समाज के लिए बोझा बन जाएंगे, वो जो अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि वो जो भी व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता है वो समाज के लिए बोझा बन जाता है। तो क्योंकि गाय और बैल जो उनको भगवान निर्धारित कार्य मिला है चरने का, वो नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए वो समाज पे बोझा है, और उनको केवल उनकी उपयोगिता के लिए देखा जा रहा है। राइट? तो उपयोगिता केवल कार्य के बाद ही आनी चाहिए। तो वो अपना गुणधर्म जो कर ले, मतलब कि अगर वो चराई करती है गाय, चारागाह में जाके चरते हैं गाय बैल, उसके बाद आप दूध प्राप्त करो, दैट इज द प्रोसेस। तो उपयोगिता कार्य के बाद आनी चाहिए, उनका स्वधर्म कर ले उसके बाद उपयोगिता लेनी चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से हम केवल उसमें यही देख रहे हैं अभी, उपयोगिता, उनका स्वधर्म करने नहीं दिया जा रहा है उसको। तो भूमि और गाय की देखभाल या दोनों समान होना चाहिए। जब एक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग उसके कार्यों के लिए नहीं किया जाता तो वह संसाधन घटता जाता है और इसीलिए सस्टेनेबल नहीं रहता। तो ये सस्टेनेबिलिटी इसलिए चली गई क्योंकि हम हर एक संसाधन को केवल और केवल उसके उपयोग के लिए देख रहे हैं, उसका जो स्वधर्म है वो उसको हम नहीं करने दे रहे हैं। तो गाय का स्वधर्म, बैल का स्वधर्म चरना है। तो आपने चरती गाय देखने मिलता ही नहीं अभी हमको, वी डोंट सी गाउस ग्रेजिंग। और जबकि कृष्णा पिता नंद बाबा के राजा थे, फिर भी रोज गाय चराने जाते थे। वो समझा रहे थे हमको कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए गायों को चराना, लेकिन हम उसको एक लीला के रूप में देखते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे विज्ञान है पूरा। सो क्योंकि हमने गाय और बैल को उनकी उपयोगिता के लिए देखा, जब हम गाय को देखते हैं तो हम दूध समझते हैं, बैल को देखते हैं मतलब कुछ बोझा ढोने के लिए है, इसलिए क्या हुआ, हम देख रहे हैं गाय और बैल कचरे में हैं। तो एक गलत निर्णय का ये अनपेक्षित परिणाम है। गलत निर्णय क्या है? उनको चारागाह से दूर करना, वो गलत निर्णय था, और ये उनका अनपेक्षित परिणाम है जो हम देख रहे हैं हमारे सामने। अगर ये निर्णय सही है, गाय से दूध प्राप्त करना और बैल को वजन उठाने के लिए उपयोग में लेना, अगर ये दोनों बात सही है, तो ये परिस्थिति क्यों आ गई? हम तो नहीं चाहते हैं ये, समाज में कोई नहीं चाहता है गाय की ये दशा हो। तो ये दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा ये निर्णय गलत है। तो अगर हम कितना भी अच्छा गौशाला बनाएं, कितना भी अच्छा इनको सुविधा दें, अस्पताल बनाएं, ये तो अनपेक्षित परिणाम बढ़ते जाएंगे। लेकिन सही सुधार कहाँ करना है? हमारे निर्णय में, कि उनको बांध के नहीं रखना है, उनको चारागाह में रखना है, वो सही निर्णय है। जब वो निर्णय बदलेंगे तब ये परिणाम यहाँ से बदलेगा, तब तक ये परिणाम बदलने वाला नहीं है। ओके, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17 और अध्याय 17 श्लोक संख्या 3। इसको अनुवाद को मैंने छोटे छोटे भाग में कर दिया है। हालांकि गाय लाभप्रद है क्योंकि व्यक्ति उससे धार्मिक सिद्धांत अंकित कर सकता है, वह अब बेचारी और बगैर बछड़े की हो गई है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, गाय अपने बच्चे के बिना हो गई है अभी, ये पहला प्रॉब्लम इस श्लोक में बताया है। उसके पैरों को एक असभ्य द्वारा पीटा जा रहा था, तो उसका जो देख रेख करने वाला व्यक्ति है वो शूद्र है, जबकि कृषि और गोरक्षा वैश्य को करना है। तो क्योंकि शूद्र अभी देख रेख कर रहे हैं गायों की, तो कभी परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह व्यथित और कमज़ोर थी। खेत में कुछ घास के लिए वह उत्कंठित हो रही थी। तो क्या लिखा है? खेत में
कुछ घास के लिए वो उत्कंठ, तो शी वॉन्ट ग्रास इन द फील्ड। आप पूरे भागवत में पढ़ेंगे हर जगह ग्रास इन द फील्ड लिखा है, ग्रास इन द गौशाला, या इन द गौशाला तो नहीं बोल सकते इसको जो अभी हमने वर्तमान व्यवस्था किया है, लेकिन हाउसिंग द काउज इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज़ नॉट वॉट इज़ रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स एनीवेयर। शास्त्र में कहीं भी गायों को छोटी स्थान में बांध के रखने का अनुमोदन नहीं किया है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, नो वेयर। गाय का मुख्य स्थान है चारागाह में, शी हैज़ टू बी ऑन द फील्ड ग्रेजिंग होल डे। तो ये तीन समस्या बताई है यहाँ, अगर ये तीन का हमने समाधान कर दिया ये सात दिन में अगर सबने मिल के, तो हम ये पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। तो क्या है वो? पहला, गाय और बच्चा साथ में करना होगा, गाय और बछड़े को साथ में रखना है। दूसरा, गाय का जो देख रेख कर रहा है वो सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरा, गाय को हरा चारा खेत में चरने के लिए मिलना चाहिए। ये तीन चीज़ अगर हमने किया तो काउ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इससे क्या नुकसान हो रहा है, अभी गायों को और बछड़ों को अलग रखा जाता है, गायों को खेत से दूर रखा जा रहा है, तो उनको घास खाने को हरा चारा खेत में नहीं मिलता है, और उनका देख रेख करने वाले सब लोग इतने सभ्य नहीं होते हैं जो पीटते भी हैं गाय को। तो बछड़े को अलग करने का दुष्परिणाम, यह अथर्ववेद और ऋग्वेद का श्लोक है। सो गायों से बलपूर्वक लिया गया दूध जहरीला होता है और असंख्य असाध्य बीमारियों की ओर ले जाता है। सो अगर हम बछड़े को उसका दूध नहीं मिलेगा, उसको वंचित रख के अगर हम दूध प्राप्त करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं जबरदस्ती या बलपूर्वक दूध प्राप्त करना। सो अगर आप बलपूर्वक जबरदस्ती दूध प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, उसको विष तुल्य बताया है यहाँ, और उससे असंख्य असाध्य बीमारियाँ आएगी जो अभी हम समाज में देख रहे हैं। बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, उनका इलाज भी नहीं है। अब ये है, घास से गाय अगर दूर रहती है तो क्या होता है, गोचर भूमि से। सो चरने की जगह की बिना रोक टोक पहुँच होनी चाहिए। सो बिना रोक टोक के गाय गोचर भूमि में पहुँचनी चाहिए। और दूसरा लिखा है, गोचर में जाने में गऊओं को कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जो अगर गोचर तक गाय नहीं पहुंच पाती, उनका दूध विष समान होता है। सो अगेन, अगर वो गोचारण नहीं कर पाती है तो वो दूध स्वास्थ्य प्रदान नहीं करता है हमको। तो ये तो, अगर गाय को हम कैद में रखेंगे तो क्या होगा, वो इसमें लिखा है। गाय के बिना खेती में दुष्परिणाम क्या होगा, तो उसमें कीड़े आएंगे, बीमारी आएगी, वो सब हम देख रहे हैं अभी। तो अभी ये देखिए, पहले ये गोचारण करा रहा है गाय को, ये परिस्थिति सही है, लेकिन अभी हम उधर पहुंच गए हैं, सबको इस प्रकार से रखते हैं छोटे से दायरे के अंदर गायों को। तो ये जो उनका प्राकृतिक आवास था उसको बदल के हमने एक कृत्रिम आवास दे दिया गायों को। सो जैसे मछली अपने निवास स्थान से हटा दी, जल से हटा दी जाती है तो वो मर जाएगी, हमने फैक्ट्री फार्मिंग करने के लिए गाय को घास के मैदान से हटा दिया, तो उसको फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, डेयरी इंडस्ट्री को। घास के मैदान रेगिस्तान बन रहे हैं, फल और सब्जियां पोषक तत्वों से कम होती जा रही है, क्योंकि गाय और बैल खेत से चले गए, तो अभी जो गोबर गोमूत्र उसको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो हम केमिकल डाल के उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो कलयुग में गायों को तब तक सम्मानित किया जाएगा जब तक वह दूध देगी। सो ये भी हम देख रहे हैं अभी, अगर गाय दूध नहीं देती है तो उसको निकाल दिया जाता है। ये भूखी दूध न देने वाली गाय, सो ऐसे बड़ी मात्रा में भर के रखते हैं सबको साथ में, एक बोझे के रूप में देखा जाता है इनको। सो गलत निर्णय और उनके अनपेक्षित परिणाम अभी भी जारी है, क्योंकि सबका प्रयास है परिस्थिति को बदलने का, लेकिन दृष्टिकोण नहीं बदला है। दृष्टिकोण तो वही है, गाय को दूध के लिए देख रहे हैं और बैल को बोझा उठाने के लिए देख रहे हैं। भले उसकी सुविधा सुधा अच्छी कर रहे हैं हम, थोड़ी फैंसी गौशाला बना देंगे, थोड़ी अच्छी दीवार, अच्छा फर्श, मिट्टी का फर्श, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसकी उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सिद्धांत की दृष्टि से समझें तो अगर हमको किसी की सेवा करनी है तो उनको क्या चाहिए वो समझना होगा, राइट? अभी इतने समझो, फॉर एग्जाम्पल देवी शक्ति माता जी, नाउ
उनको अगर भोजन में तली हुई चीज़ नहीं चाहिए और आप उनको तला हुआ चीज़ खिलाएंगे तो उनकी सेवा है या क्या है ये? इट इज़ नॉट द सर्विस, राइट? सिमिलरली गायों को जो चाहिए वो उनको देना है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमको चाहिए वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सेवा नहीं है वो। हमने उसको नाम गो सेवा दे दिया, बट इट इज़ नॉट सेवा। गो सेवा का अर्थ है जो गायों को जिस कार्य हेतु कृष्णा ने निर्मित किया है वो कार्य उनको करने में उनको मदद करें हम, एंड दैट इज़ ग्रेजिंग, उनको चरने में मदद करें, वो गौ सेवा है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी का एक लेक्चर भी है टोक्यो में 1974 में, जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे भगवान कृष्णा करते हैं अपने राजमहल को छोड़ के गायों के साथ चारागाह में जाते हैं, इसको गौ सेवा बोलते हैं, काउ प्रोटेक्शन, नॉट काउ प्रोटेक्टर। उसमें लिखते हैं हमको काउ प्रोटेक्टर नहीं बनना है, अभी जो आयोजन है वो काउ प्रोटेक्टर आयोजन है, हम ऐसा प्रबंधन करते हैं जिसमें गाय सुरक्षित रहे। तो वो तो सुरक्षित ही है, वो कहीं भी जाएगी उसको कुछ होने वाला नहीं है, बट बिकॉज ऑफ आवर सेंटिमेंटल प्रिंसिपल्स वी आर ट्राइंग टू, हम ऐसा सोच रहे हैं कि प्रोटेक्शन प्रोग्राम इतने तक सीमित है उनको चारा डालने और पानी देने से, बट इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर देम, वो बहुत बड़ा। और उसी लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं वी डोंट वॉन्ट थर्ड क्लास काउज। तो सोचिए गाय जो पूजनीय है, इधर है सब सुंदर सुंदर चित्र लगे हैं, इधर हर एक चित्र में गाय खेत में ही दिख रही है। सो थर्ड क्लास का है मतलब हम बोलते हैं ना ये थर्ड क्लास है व्यक्ति, क्यों? वो कुछ कार्य नहीं करता है। सो इफ द काउज आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन फॉर कृष्णा देन दे आर थर्ड क्लास, तो वो तृतीय श्रेणी की है, तो उनको अपना कार्य करने देना चाहिए। दिस इज अवर ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो पागलपन एक ही चीज़ को बार बार करना और अलग परिणाम की आशा करना, हाँ ये पागलपन की परिभाषा दिया एल्बर्ट, कि हम वही चीज़ बार बार करते जा रहे हैं, हम सोचते हैं परिणाम बदलेगा, लेकिन परिणाम तो बदलने वाला नहीं है। रात को आप 12 बजे ही सोएंगे और फिर सोचोगे कि सुबह आ जाऊँगा, तो संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रतिमान मतलब कि दृष्टिकोण बदलाव उपयोगिता से कार्य की तरफ आज की आवश्यकता है, दिस इज़ वॉट वी नीड। तो हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना है और उपयोगिता से हमको उनको गुण धर्म करने दें, ऐसी व्यवस्था देनी है। तो प्रकृति संपूर्णता में कार्य करती है। ओके, ये एक वीडियो है, आई डोंट नो चलेगा कि नहीं। ये शायद लैपटॉप चेंज हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है, राइट? आई एम क्लिकिंग बट इट इज़ नॉट वर्किंग। इसको हम कल दिखाएंगे आपको, अच्छा वीडियो है। सो डू टुमारो, नो प्रॉब्लम। सो गाड़ी के भागों का कार्य को समझने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जीव के कार्यों को और प्रकृति संसाधनों को प्रबंधित या लयबद्ध करना ताकि संसाधन को क्षीण किए बिना भरपूर प्राप्ति हो, तो ये किसान का कार्य है। अभी हम क्या सोचते हैं, किसान मतलब जिसको हल चलाना आता है, जिसको पानी का सिंचाई करना आता है, जिसको बीज बोना आता है, जिसको खरपतवार निकालना आता है, जो कठिन परिश्रम करता है उसको किसान बोलते हैं। अभी ये डेफिनेशन है किसान की, लेकिन किसान का ये कार्य नहीं है। किसान प्रकृति को लयबद्ध रखता है, केवल प्रकृति स्वयं चलायमान है भगवान की अध्यक्षता में। व्हाट इज दैट श्लोक? मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कृष्ण बोलते मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चलायमान है, हम बोलते हैं नहीं मेरी अध्यक्षता में है, सो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ हमारा दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। तो खेत में सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है अगर हम उसको स्वयं चलायमान होने दें तब। तो ऐसे आज की तारीख में 5% खेत विश्व के इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं आज भी। हम अगर कभी चाहेंगे तो हम जयपुर लेके जाएंगे, वहाँ एक 250 बीघा का खेत है, वो 100% जो हम सीख रहे हैं इधर, आज सीखेंगे 7 दिन, उसी सिद्धांतों पे चल रहा है वो। सो मे बी वी वुड नीड टू गो देयर सम टाइम। सो ये हमको प्राप्त होना चाहिए अगर हम खेती करते हैं तो। जैव विविधता बढ़ना चाहिए मतलब हमारे खेत में अलग अलग योनियाँ बढ़नी चाहिए, पानी की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, फूड की खाने की भोजन की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, भूमि की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए और हमारा मुनाफा भी बढ़ना चाहिए, ये हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये तो प्राप्त हो नहीं रहा है, फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि जब ये प्राप्त नहीं हो रहा है मतलब मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। दे डोंट एक्सेप्ट दैट, दे स्टिल कीप डूइंग द सेम थिंग। एक दवाई छांटने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो अभी कंपनी दूसरा दवाई लेके आएगी, बोली इसको डालने से और बढ़ेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये दवाइयाँ आते जा रही है
कंपनियां सब करोड़पति हो गई और किसान भिखारी बन गए सब. दिस इज द प्रॉब्लम. सो प्राकृतिक खेती के लक्षण यहाँ लिखे हैं. आई विल सेंड दिस टू यू ऑन द व्हाट्सएप होल थिंग. धरती माता कभी भी लाइफ स्टॉक के बिना खेती नहीं करती. मतलब धरती माता गाय के बिना खेती करना नहीं जानती है. इसको प्राकृतिक खेती में अगर गाय और बैल खेत पे नहीं जा रहे हैं सो धरती माता नहीं जानती है कैसे खेती होगी. तो अभी तो कोई लेके नहीं जाता है. गाय बैल को तो एक समस्या देखता है किसान. ऐसा दृष्टिकोण दे दिया है हमको. वी सी देम एज अ प्रॉब्लम. मिश्रित फसलें, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बढ़ाना है. सो अभी हम खेती एक करते हैं. जैसे अभी आपने देखा हो तो अभी गया सर्दी गया, राइट. सर्दी में क्या चीज़ का खेती हुआ था? गेहूं का. या कुछ कुछ लोगों ने सरसों किया था. मेजरली गेहूं और सरसों किया था, राइट. सो गेहूं और सरसों तो मनुष्य के लिए है. तो बाकी के लोग क्या खाएंगे? बाकी की योनियाँ क्या खाएगी? ये दृष्टिकोण हमको मिला ही नहीं है कि दूसरों का भी सोचें. सो अगर हम खेती में अन्य योनि का नहीं सोचेंगे तो खेती से जो हमको प्राप्त होगा उससे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा. पेट भर जाएगा बट स्वास्थ्य नहीं मिलेगा. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ. वी वॉन्ट गुड हेल्थ. विथ गुड हेल्थ वी कैन डू गुड सेवा एंड गुड साधना. विदाउट गुड हेल्थ वॉट कैन वी डू? मिट्टी को संरक्षित करना है, मतलब कि धरती माता को संरक्षित रखना है. सॉइल इरोजन, विकास और क्षय की प्रक्रिया एक दूसरे से संतुलित करती है. मिश्रित जानवर और सब्जी धरण में बदल देती है, कोई व्यय नहीं. सो ये जो पशु का जो भी एक्सक्रीटा मिलता है या अन्य जो भी सब्जी हम प्राप्त करते हैं उसकी जो घास बचती है वो सब खाद में परिणित होती है. ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमको कुछ करना नहीं है इसमें. और ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी देखभाल की जाती है वर्षा को संचित करने के लिए. तो जितना बारिश गिरता है खेत में वो सब पानी ज़मीन में उतरना चाहिए, तब आपका खेत अच्छा है. अभी आप देखते हैं किसी भी खेत में जाइए सब पानी खेत के बाहर चला जाता है. आज भारी वर्षा हुआ है, कल खेत सूख गया है. लेकिन खेत 365 दिन नमी वाला होना चाहिए और सूखना नहीं चाहिए. ऐसा कृष्ण ने हमको दिया था ये सृष्टि. लेकिन हमने हमारी बुद्धि लगा लगा के इसको एक मरुस्थल में परिणित कर दिया है. ना सब कुछ सूखा है अभी. ओके, आई थिंक तो मिट्टी के ऊपर भी योनियाँ रहती है और मिट्टी के अंदर भी योनि रहती है. तो देयर इज होल वर्ल्ड बीनीथ अवर फीट. हमारे पैरों के नीचे कितना 30 लाख योनि है. जर्चर रेंगने वाले कितना कीड़ा कितना होता है जो जमीन में रहते हैं? 84 लाख में से आई थिंक 30 लैक्स और 20 लैक्स है. सो दे आर अंडर द सॉइल. वो सबको हम मारने में लगे हुए हैं अभी. तो जब ये भूमि के अंदर ये जीव नहीं है वो जमीन को मरुस्थल बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड डेजर्ट. सो राइट नाउ ऐसा एक वीडियो है जो नहीं देख पाए हम. अगर सैटेलाइट से अगर देखता है कोई इस पृथ्वी को तो उससे ऐसा व्यतीत होता है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है, एक ऐसी योनि है जो हरी पृथ्वी को एक मरुस्थल में परिणित कर रही है. ऑलरेडी 50% से अधिक भूमि मरुस्थल में परिणित कर चुके हैं हम लोग. और ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी 65 साल के लिए ही भोजन उपलब्ध है. अगर इसी प्रकार से खेती होती रही तो 65 साल के बाद ये भूमि पे खेत करने जैसा कोई खेती करने का कोई खेत बचेगा नहीं. सभी कुछ मरुस्थल में परिणित हो गया होगा. सो 65 ईयर्स लेफ्ट एज पर देम. सो जब आप चीज़ों को देखने का तरीका बदलते हैं तो आप जी जिनको देखते हैं वे बदलती है. सो व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स द थिंग्स यू लुक एट चेंज. सो दृष्टिकोण बदलने की अपील करी गई है आज. हम सबको हमारा दृष्टिकोण बदलना है. सो आई विल एंड इट हियर. थैंक यू. सो हमारे पास 7 मिनट है. प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. आज के जो हमने चर्चा किया उसमें से डोंट गो आउट. बाकी बहुत सारा है आगे, हम आगे चर्चा करेंगे. बट फ्रॉम टुडे इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज. हरे कृष्णा. जैसे कि आपने बताया कि
ऐसा होना चाहिए, खेती के लिए ऐसा होना चाहिए, गाय की सेवा के लिए ऐसा होना चाहिए, पर आज हम देख रहे हैं कि धरती सूखी पड़ी है, तो गाय को किधर लेके जाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि अभी चारागाह है ही नहीं, तो चारागाह में गाय जाएगी कैसे? क्योंकि हमने बहुत क्षति ऑलरेडी पहुंचा दी है इस प्रकृति को, तो उसको वापस लाने के लिए जैसे प्रकृति अपने आप चलती थी उसकी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। वी हैव टू मिमिक द नेचर नाउ। जैसे अभी हम घास तो उगा ही रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट? ऐसा तो है नहीं कि घास उग नहीं रहे हैं, तो गाय खा क्या रही है? लेकिन वो घास को कटाई करके खिलाने की जगह गाय को वहाँ ले जाया जाए और वहाँ चराया जाए, तो वहीं उसका मल मूत्र त्याग करेगी वो, तो खेत सुधरना शुरू होंगे। तो जब तक हम गाय और खेत को जोड़ेंगे नहीं, भले जो भी परिस्थिति में है दोनों, अभी भले बीमार है दोनों, लेकिन उनको जोड़ के ही उनका इलाज हो सकता है। उनको अलग रख के तो इलाज संभव नहीं हो, तो परिस्थिति और ख़राब होती जाएगी। तो प्रथम कदम यही है कि तुरंत सभी गाय खेत पे चली जानी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये तो अभी कितना आयोजन लग रहा है, गोबर मूत्र को सफाई करना पड़ता है आपको, चारा कटाई करके यहाँ लाना पड़ता है, फिर शाफ्ट कटर में उसको छोटा छोटा घास कन्वर्ट करना पड़ता है, कितना सारा खर्चा कर रहे हैं हम ये करने के लिए, फिर बिजली चाहिए घास को कटाई करने के लिए। ये सारा अगर आप खर्चा गिनोगे, इट्स ह्यूज। ट्रैक्टर से खेत से घास उठा के गौशाला तक लाते हैं हम। सो ये सारा जो प्रयास चल रहा है ये बहुत भारी प्रयास है, इसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हम दान से चला रहे हैं सब कुछ। प्रभु, हम लोग तो ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर हम लोग प्रैक्टिकल में, जैसे हमारी गौशाला है, हम लोग गौशाला में गायों को बांध के रखते हैं, पर ये हो नहीं पाती है कि हम खेतों में लेके जाए, ऐसे खेत नहीं है, फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हमको हमारा निर्णय बदलना है। अभी हमारा निर्णय है उनको यहाँ रखने का। अगर हम एज अ कम्युनिटी निर्णय ले लेंगे कि नहीं, अब हमारी कृष्णा बलराम की गाय गौशाला में नहीं रहेगी, सो सरकार का कोई नियम नहीं है। किसका नियम है ये आप बताइए, किसने बनाया नियम? हमने बनाया, तो वी हैव टू चेंज अवर डिसीजन। अगर हम सब मिलकर निर्णय लेंगे तो ये गाय कल खेत में चली जाएगी, कौन रोक रहा है इनको? वो तो चाहती है जाना, ये हमारा निर्णय हो ना जाए। तो यही आज प्रेजेंटेशन है कि हमको निर्णय बदलना है, तब समस्याओं का समाधान होगा। कंप्लेन करना इज अ रॉन्ग पैराडाइम, वो गलत पैराडाइम है, वो केवल एक अनपेक्षित परिणाम की आप चर्चा कर रहे हो। अनपेक्षित परिणाम की चर्चा करने से समस्या का समाधान नहीं आता है। वो अनपेक्षित परिणाम क्यों आए, वो दृष्टिकोण और निर्णय को बदलना पड़ेगा, अगर परिस्थिति को बदलना है तो। पर धरती तो सूख चुकी है ना, अब अभी हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, गाय को कहाँ लेके जाए? ये आपका दृष्टिकोण है ये कि कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रकृति चलायमान है, स्वयं सुव्यवस्थित होता, हमको कुछ नहीं करना है उसमें। कृष्णा नोज वॉट टू डू। प्रकृति कृष्णा की अध्यक्षता में, कुछ नहीं हो सकता, ये आपका दृष्टिकोण है, इसको बदलना है। यही दृष्टिकोण को बदलना है, क्योंकि ये हमको इस समाज से प्राप्त हुआ है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। निराश होने का स्थान नहीं है भक्ति के अंदर। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये रखना पड़ेगा, और क्रमबद्ध जो श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं उसको पालन करना पड़ेगा, तो आप पलक झपकने के समय में ये परिवर्तन आ जाएगा। जस्ट ब्लिंक ऑफ योर आइज थिंग्स विल चेंज, बट पहले तो आप निर्णय बदलने के लिए तैयार होइए। आपका मुख्य चुनौती समाज का ये है अभी, आपका मतलब हम सबका, कि हम निर्णय बदलने के लिए सक्षम नहीं हैं अभी। हम सोच रहे हैं ये बदलेंगे तो परिस्थिति और ख़राब होएगी, कि वहाँ गाय चली जाएगी तो कैसे खाएगी, पानी कहाँ से पिएगी, उधर कौन जाके रहेगा, हम उसमें उलझे हुए हैं हम लोग अभी। लेकिन खाली इतना ही सोचना है कि कल से धान बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? वॉट विल वी डू? ट्रैक्टर का डीजल नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? गौशाला तो घास कैसे आएगा यहाँ? अभी तो ट्रैक्टर में आता है सब, सभी गौशालाओं में घास ट्रैक्टर में आता है, तो हाउ विल वी गेट इफ देर इज नो डीजल? सो ये सब तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी समझाया है कि ये तो सब खत्म होने वाला है आगे जाके। डीजल तो नहीं रहेगा, पेट्रोल तो नहीं रहेगा। हम लोग बचपन में तो देखे हैं गाय चराते हुए, सब कुछ देखे हैं, लेकिन परिवर्तन हो गया बहुत, लेकिन दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, और कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। केवल और केवल हमारा दृष्टिकोण को वापस, जो बचपन वाला दृष्टिकोण है, वहाँ ले जाना है। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो दृष्टिकोण पे पहुँचना है, वो उसकी माता जो बोलती है वो करती है, करता है,
उसको ऊपर उछालते हैं, नीचे पटकते हैं, तो भी उसको पता है माता कर रही है, चिंता नहीं है, उसको श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा हमको ये दृष्टिकोण में लाना होगा, शास्त्र के दृष्टिकोण में। अभी वो श्रद्धा चले गए है, वो उतना ही परिवर्तन आया, और कुछ परिवर्तन नहीं आया है। ये एक ही परिवर्तन है, वो आंतरिक है। अगर हम अंदर से ये परिवर्तन लाने के लिए तैयार, जैसे लाए हैं ना हम लोग, इतने सारे भक्त लोग तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आ गए, जो बाहर पहले बहुत पैसा कमाते थे और कई सारे सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ तो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ की। इतना तो परिवर्तन आया है, जो लोग यहाँ आए हैं उसमें, तो ये तो दृष्टिकोण में परिवर्तन है। हमको तो लोग मूर्ख बोलेंगे कि ये सब पढ़ाई लिखाई करके सब छोड़ छाड़ के इधर हरे कृष्णा में लग गए हैं, तो उनके लिए तो हम मूर्ख हैं। बट हमारा दृष्टिकोण बदला है कि नहीं, ये भगवान की शरण लेने से ही जीवन का कल्याण होगा। तो ये शरण लेने का ही माध्यम है। ये गाय को धरती के साथ जोड़ना इज़ द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू क्रिएट सक्सेसफुल फार्म्स। अगर हमको अच्छे फार्म्स, जितने भी फार्म कम्युनिटी हमारे फेल हुए हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि गाय को बच्चे से अलग कर दिया गया और गाय को खेती से अलग किया। केवल इसी कारणवश हमारे फार्म फेल हुए हैं, और कोई कारण नहीं है। दैट्स द ओनली रीज़न। बाकी सब अनपेक्षित परिणाम है। मतलब हम लोग ये सब कर रहे हैं जिसका रिएक्शन से ये सब हो रहा है। यस, और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप स्वधर्म की बात कर रहे थे एक स्लाइड में, कि गाय का स्वधर्म है खेतों में जाके चरना, और बैल का है वो, बैल का भी वही है, ठीक है। सो ये हमारी रिसोर्सेस है, एक स्लाइड में बताया था कि मनुष्य की रिसोर्सेस है, तो उसमें भी हमारा स्वधर्म जो भक्ति है उसके लिए ये भी एक पार्ट हो जाता है कि इनको एंगेज रखना। तो फिर जो हमारे 7 जो है इस्कॉन के, उसमें ये पार्ट कहाँ पे आता है? सिक्स्थ में, सेवन्थ पर्पस में छठा है सादा जीवन, उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने। सिक्स्थ इज दैट, तो ये भी उसमें आ जाता है। यस, इट इज प्रभुपाद इज गिवन दिस एज अ पर्पस। एंड प्रभुपाद तो खुद ग्रामीण समुदाय की स्थापना करना चाहते थे कि जहाँ कृष्ण केंद्र में हो, गाय हो, सब भक्त लोग वहीं रहे, वहीं प्रशिक्षण उनको, गुरुकुल, छोटा एजुकेशन सिस्टम हो, और भगवान की सेवा करें, भगवान का अनाज उगाएं, भगवान के लिए पुष्प उगाएं, फल उगाएं, सब्जियां उगाएं। दैट इज़ फर्स्ट क्लास फॉर कृष्णा। एवरीथिंग इज़ फर्स्ट क्लास विच इज़ ग्रोन बाय डिवोटीज थ्रू काउज इन द नेचुरल वे। दैट इज़ फर्स्ट क्लास। तो हम भी फिर स्वधर्म के चक्कर छोड़ के हम जो उसका यूज पर्पज उसका ये है उपयोगिता हाँ, उसमें चले गए फिर हम। यस, वी आर ऑल्सो डाइवर्ट, दैट इज़ वाई वी आर सफरिंग। अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ना। ये तो भक्ति तो केवल आनंद प्रदान करती है, सो अगर हम पूर्ण रूप से उसका पालन करें तो भक्ति इस पर आश्रित नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पूर्ण रूप से पालन करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, सो ये प्रणाली जो है जीवन निर्वाह करने की, क्योंकि अभी जीवन निर्वाह के लिए सब लोग कुछ ना कुछ तो व्यवसाय कर रहे हैं, तो दिस आर द ओनली व्यवसाय सजेस्टेड इन द शास्त्र, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। इवन भागवतम में लिखते हैं प्रभुपाद की, ये दो ही ऐसे कार्य हैं जिसमें पाप नहीं है, कृषि और गोरक्षा। बाकी आप कोई भी प्रवृत्ति करते हैं वो उग्र कर्म है, दैट इज फुल ऑफ सिंस। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कि आपने बोला कि वी शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, तो उसी के बारे में बात करते हुए, ये सारी प्रॉब्लम्स की तो हमने हमेशा ही बात की है, और बीइंग पार्ट ऑफ इस्कॉन ये चीज़ें हम थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हैं। ये हमें हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है समाज में रहते हुए। लेकिन अभी जैसे आज आपने जो जो चीज़ें समझाई, तो अब हमारे क्या मतलब स्टेप्स क्या रहेंगे कि हम ये चीज़ें कर सकें? जैसे आज आपने दृष्टिकोण के बारे में कहा, वो चीज़ें हमारे भी संज्ञान में हैं कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला बीइंग पार्ट ऑफ इस्कॉन। बट अभी हम जैसे आज आपने ये चीज़ शुरू करी है, आज से हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो क्या रहेंगी? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अब आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। हाँ, ग्रास नहीं रही। बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, कि एक्शन प्लान क्या ले आज की जो हमने शिक्षा ग्रहण की। हाँ, आज हम ऐसा क्या करें ताकि इस जो कार्य को हम करने का प्रयास कर रहे हैं उसको कर पाएं। सो
द स्मॉलेस्ट बिगनिंग इज कि आज से हम उसी चीज़ को ग्रहण करें या उसी चीज़ को ठाकुर जी को अर्पण करें जो प्रकृति से प्राप्त होती है. इतना आज अगर हम सब करना शुरू कर दें तो हमारी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. मतलब कोई भी पैकेट चीज़ हम ग्रहण नहीं करेंगे. ओनली प्रोड्यूस, जो भी उत्पादन खेत से होता है, सब्जी फल और अनाज, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं खाएंगे. और जो फैक्ट्री में घूम के आ रहा है, जैसे टमाटर अगर सॉस बन के आ रहा है तो हम सॉस नहीं खाएंगे, गन्ना अगर चीनी बन के आ रहा है तो हम चीनी नहीं खाएंगे. इतना हम जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए ही. अभी आप इसको पूरा विश्व पे लागू करने का प्रयास मत करना आज. अगर आपको क्या करना है ये चर्चा कर रहे हैं. हमारा प्रश्न उत्तर केवल जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए है कि अगर आज से आप सहयोग करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट को, तो दैट इज़ द हम्बल बिगनिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज. बिकॉज आज खेती केवल फैक्ट्री के लिए हो रही है. इतना सारा गेहूँ का उत्पादन क्यों हो रहा है? क्योंकि बिस्किट की फैक्ट्रियाँ चलानी है हमको, क्योंकि ब्रेड की फैक्ट्रियाँ चलानी है. नहीं तो इतना गेहूँ का ज़रूरत नहीं है समाज को. यू डोंट नीड सो मच ऑफ व्हीट. इतना सारा मूँगफली, इतना सारा तल क्यों बन रहा है? क्योंकि हमको तेल चाहिए, बट तेल की ज़रूरत नहीं है हमको. डोंट नीड इट. सो ये सब कुछ फैक्ट्री के लिए हो रहा है. एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड टू द फैक्ट्रीज. सभी निर्णय फैक्ट्री को रॉ मटेरियल देने के लिए है. लेकिन ये खेत तो हमारा भोजन है, केवल हमारा और सभी योनि के भोजन के लिए खेत बना है. इसलिए हम वो भूल गए. तो जब कोई भी उसमें बीच में आता है तो हम उसको मार देते हैं. कोई भी पक्षी आएगा तो उसको भगा देंगे, कोई भी पशु आएगा तो उसको मार देंगे, क्योंकि हमको उसको फैक्ट्री में पहुँचाना है. आलू है तो चिप्स नहीं खाएंगे, हम आलू खा सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी ऑल शुड डू. तो आई थिंक जो आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है इसमें उसी की एक समझ से अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो चीज़ें इतनी डीप रूटेड हैं. तो जो आपने अभी बोला, हमें कुछ भी करना पड़ रहा है, चाहे वो फर्स्ट स्टेप का एक फर्स्ट पार्ट क्यों ना हो, वो भी बहुत कठिन है, डिफिकल्ट टू अचीव है. आई नो दैट. वो खाना जो हमें खाना है जो कि पैकेटेड फॉर्म में ना हो, प्रोसेस्ड ना हो, तो ये तो हमें हम घर पे ही कर सकते हैं. शायद यहाँ के किचन पे भी हम नहीं खा सकते ऐसा खाना. आई जस्ट टोल्ड नाउ दैट दिस इज जस्ट फॉर दिस रूम. हाँ नहीं, हम भी इस रूम में उपस्थित है केवल उनके लिए समाधान दिया है मैंने. इसके बाहर जो बैठा है उसके लिए नहीं है ये, क्योंकि आपने पूछा और खास करके आपके लिए है. Because you wanted to do it. Yes, yes. You want to do it. So that's why it is most importantly for you. So if you will do, आप एक महीने में अपने जीवन में बहुत भारी परिवर्तन देखेंगे. You will be going towards mode of goodness. क्योंकि ये सब सत्वगुणी है. भगवद्गीता के अनुसार जो अब बच गया वो सत्वगुणी आहार है. अभी जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो रजोगुणी और तमोगुणी है. उससे केवल बीमारी आएगी, उससे स्वास्थ्य नहीं आएगा. ये भगवद्गीता में लिखा है. It is not my manufactured solution. This is as per Bhagavad Gita. But अभी हमारे पास यही सुविधा है. इस वर्तमान परिस्थिति में इतना हम सब कर सकते हैं. इसके लिए हमको कुछ खेत की ज़रूरत नहीं है, कुछ गाय की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है. This we can do today. Your medical bill will be zero. Because you are putting an effort to follow what Krishna wants. थैंक यू प्रभु. ठीक है, सो समय हो गया है. अगर किसी का कोई और प्रश्न नहीं है सो वी कैन एंड इट हियर. और कल 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे इसको. सो सबसे निवेदन है कि थोड़ा 5 मिनट जल्दी आइए सो वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम. सो प्रश्न के लिए ज़्यादा समय रहेगा हमारे पास. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की.